हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, आज 23 मई शनिवार का दिन है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे। आपके व्यापार, करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी साबित होंगे। मित्रों, आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, संस्कृति में वृद्धि हो सकेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकोगे, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपको बताएंगे। आज के दिन आपके घर में, आपके परिवार, आपके समाज में आपके किस प्रकार से अलग से भी अलग पहचान बन सकेंगे और आपको अपने मान सम्मान संस्कृति में बढ़ोतरी मिल सकेंगे, आपको बताएंगे। आज के दिन किस प्रकार से आप अपने घर में, परिवार में चल रहे पारिवारिक क्लेश को दूर कर सकोगे और किस प्रकार से सुख समृद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं, आपको बताएंगे। आज आपका लकी कलर, लकी नंबर कौन सा रहने वाला है, आपको बताएंगे। आपके ग्रह गोचर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से प्रभाव करने वाले हैं, आज के दिन आपको बताएंगे कि आपके घर में किस प्रकार से खुशियां आ सकती हैं और किस प्रकार से आपके घर में धन दौलत की वर्षा हो सकती है। आज के दिन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होंगी और कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होंगे, आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सके। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपके लिए काफी भाग्यशाली रहेंगे। आज आप स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करके अपने कलक से भी अलग पहचान भी बना सकते हैं। आज के दिन जो लोग, यदि आप राजनीतिक या सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो आज के दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। आयात निर्यात, विदेश कार्य, व्यापार तथा विदेश यात्राओं के लिए आपका समय बेहतर रहेंगे। आज भाग्य से अधिक कर्म पर भरोसा करेंगे। जुआ सट्टा आदि से आपको दूर रहने की जरूरत रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको हानि हो सकती है। आज के दिन जीवन साथी से मतभेद उत्पन्न होने के लगातार संकेत मिल रहे हैं, अतः स्वयं को शांत रखें और उनके साथ कुछ समय व्यतीत करने की कोशिश करें। घर के साथ जो सामान का व्यय हो सकता है, आपको अपने भाई बहनों का पूर्ण समर्थन मिलने के कारण आपके जीवन में चल रहे पारिवारिक क्लेश को दूर करने में आपके भाई बहन आपका सहयोग कर सकते हैं। आज के दिन जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। विवाहितों को कार्य करने के बेहतर मौके मिल सकते हैं। विवाहित लोग अपने जीवन में कई चल रही परिस्थितियों से छुटकारा पा सकते हैं। आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। आपको संतान से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आज के दिन सुबह सुबह कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है के कारण आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और पूरे दिन आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ प्राप्त होने वाला है। आज के दिन मित्रों, मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि परीक्षा या प्रतियोगिता या साक्षात्कार में शामिल होने वाले जातकों को सफलता मिलेंगे। जिन जातकों का अदालत में कोई मामला लंबित हुआ है, वे भी आज के दिन सकारात्मक परिवाद प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको सफलता हासिल होंगे। आज के दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों का बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वित्तीय मामलों में वांछित परिणाम मिलना संभव होंगे और आपको आय का एकत्रित स्रोत भी प्राप्त हो सकता है, जिनके कारण आप अपने जीवन में चल रही परिस्थितियों से छुटकारा पा सकते हैं। आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए काफी प्रयास कर सकते हैं। आज के दिन उद्यमी नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं जो उन्हें स्थापित और उन्हें नाम बनाने में मौके कर सकते हैं। आज के दिन जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, नौकरी पेशा धारकों के लिए कार्यस्थल पर अपने कार्य का प्रदर्शन करने के बेहतर मौके मिल सकते हैं। आज के दिन नौकरी पेशा वाले जातकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों और लोगों का सहयोग मिलेंगे, जिनकी वजह से आप अपने समाज में अपने अलग से भी अलग पहचान बना सकोगे और आपको समाज वाले, घर वाले और परिवार वालों से इज्जत की प्राप्ति हो सकेंगे। आपको हर एक क्षेत्र में पूछा जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा। आज के दिन नौकरी पेशा वाले जातकों के मन में अलग अलग प्रकार की भावनाएं दौड़ सकती हैं जो कि आपको सकारात्मक परिणाम दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं, आपके नाम बनाने में आपके सहायता कर सकते हैं। आज के दिन बच्चे अच्छी प्रगति करेंगे और आप एक सुखद जीवन का आनंद ले सकोगे। मित्रों, आज के दिन मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम आपके सफल रहेंगे। आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी स्थापित हो सकते हैं। भूमि क्रय विक्रय के कमीशन के संबंध में कमीशन के माध्यम में आर्थिक लाभ हो सकते हैं। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या फिर अगर आप बेरोजगार थे और व्यवसाय शुरू करने का मन बना रहे हैं, यदि आप पहले से व्यवसाय कर रहे हैं तो आज के दिन आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफी नाम बनाने के, पैसे बनाने के और अपने नाम बनाने के, कार्यस्थल पर अपने प्रदर्शन को दिखाने के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। आज के दिन आपको अपने व्यापार व्यवसाय को अच्छी विस्तार योजनाओं को करने के लिए बेहतर याद होंगे। आज यदि आपका व्यवसाय रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा है या फिर आप अपना व्यवसाय को रचनात्मक क्षेत्र से जोड़ना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने प्रतिभा दिखाने के बेहतर मौके मिल सकते हैं और खुद का नाम बनाने के भी अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन आपका सामंजस्यपूर्ण रहेंगे। परिवार में
पैसा दिया, संतान के जन्म संबंधित शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं जिनसे आपके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ उठेंगे। मित्रों मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज कुछ लोगों की स्थितियां खराब हो सकती हैं और वहीं कुछ लोगों की स्थितियां जो भी खराब थी वे बेहतर हो सकती हैं। आज के दिन स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है जिनके फलस्वरूप कामों को सही ढंग से करने में आपको स्वयं को तकातका महसूस कर सकते हैं और आपके कामकाज में देरी हो सकती है। आपका काम पूरा न होने की वजह से आप थोड़े परेशान चिंतित और कई प्रकार के दुविधापूर्ण स्थितियों में भी गुजर सकते हैं। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा धैर्य रखने होंगे। आज के दिन खान पान पर संयम रखकर अपने आप को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करें। आज आपका स्वास्थ्य आपका साथ देगा। आज के दिन आप किसी दूर की यात्रा पर जा सकते हैं। आपको कार्यों में सफलताएं मिलेंगे, यात्राएं आपके फायदेमंद साबित होंगे, आर्थिक लाभ के अवसर मजबूत होंगे, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होंगे, किंतु घरेलू मामलों में आपको सावधानियों से काम लेने की जरूरत रहेंगे। आप में से कुछ लोग अपने भागीदारों और किसी करीबी सहयोगियों से सहायता ले सकते हैं। आज के दिन व्यवसाय संबंधित यात्राएं वांछित परिणाम दे सकेंगे। नए कार्यस्थल से जुड़ने या नई परियोजनाओं और कर्मों को शुरू करने के लिए आपका दिन काफी अनुकूल रहने वाला है। आज के दिन जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, नौकरी पेशा करते हैं या फिर व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को उन्नति प्राप्त करने के सुनहरे अवसर मिल सकते हैं। आज के दिन कार्यस्थल पर किसी के साथ झगड़े या टकराव की स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे में आपको झगड़ों लड़ाइयों से वाद विवादों से दूर रहने की जरूरत रहेंगे। आज के दिन प्रेम पूर्वक संपर्क आपको बनाने की जरूरत रहेंगे। यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आज के दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास करने होंगे। आपके संबंध बेहतर बनेंगे तो आपकी छवि भी बढ़ेंगे और समाज में आप अपनी अलग से अलग पहचान बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका पा सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन कुछ लोग बदनामी या अपमान का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखें। पारिवारिक परिवेश आज के दिन आपको कुछ भावनात्मक मुद्दों से परेशान कर सकता है। भावनात्मक मुद्दे ना पकड़ें। आज के दिन आपको संतान या जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं रह सकती हैं। ऐसे में परिवार वालों का घर वालों का और अपने आपके स्वास्थ्य का चिंता अवश्य करें। आज का समय सकारात्मक परिणामों का दिन है। यदि आप उच्च अध्ययन या नौकरी के लिए परीक्षा या प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो सफलता आपके कदम को चूम सकेंगे। अगर कोर्ट का में कोई संपत्ति का मामला है तो वह भी आपके पक्ष में तय हो सकता है। प्रतिद्वंद्व आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं परंतु यह असफल रह सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को व्यवसायियों को लाभ कमाने के, प्रसिद्धि कमाने के और अपने पैसे कमाने के बेहतर मौके मिल सकते हैं। आय का अतिरिक्त स्रोत भी विकसित हो सकता है। मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि पारिवारिक जीवन आपका सामंजस्यपूर्ण रहेंगे। अविवाहितों के जीवन में प्रेम का प्रवेश हो सकता है और अविवाहितों को बेहतर प्रेम संबंध के प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह के भी प्रस्ताव आ सकते हैं। ऐसे में आज के दिन सोच समझ कर कार्य करने की जरूरत रहेंगे। जल्दबाजी में भावनात्मक रूप से किसी भी प्रकार के कोई निर्णय न लें। आज के दिन आप में से कुछ लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने साहस और संगठित कार्य के बल पर अपने आसानी से उन सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर लोगे जो कि आपको आए दिन किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं। आज के दिन नौकरी पेशा जातकों को अधीनस्थों के साथ आकस्मिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने सहकर्मियों और सहयोगियों का बहुत ज्यादा सहयोग मिलने वाला है। व्यापारियों को लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती हैं। ये यात्राएं आपके लिए लाभदायी फायदेमंद साबित होंगे। इनसे भविष्य में अच्छे परिणाम आ सकेंगे। प्रॉपर्टी कमीशन आदि के लेन देन करने वालों को वांछित परिणाम मिलेंगे। धन की आमदनी अच्छी बनी रहेंगी लेकिन खर्चे भी अधिक रहेंगे। ऐसे में आज के दिन थोड़ा सा धैर्य रखें। एकल को अच्छा विवाह प्रस्ताव मिल सकता है और किसी पारिवारिक सदस्य का बिगड़ता स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में मीन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप इन सभी क्षेत्रों में ध्यान दें और किसी भी कार्य को करते समय आप अपने परिवार वालों का सहयोग लेकर अवश्य कार्य करें। आज के दिन छात्रों को अपने प्रयासों में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होंगे। छात्र अपने पढ़ाई लिखाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। छात्रों को बेहतर परिणाम और काफी अच्छे दोस्तों के साथ सहयोग मिल सकेंगे। आज के दिन नई योजनाओं को अमल कर सकते हैं। व्यवसायी और नौकरी पेशा जातकों के लिए आज के दिन अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको अपने करियर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए नए संपर्क और दोस्त भी बनाने पड़ सकते हैं। नए व्यवसाय के अवसर आपके लिए तैयार रहेंगे। पारिवारिक जीवन आपका जस का तस बना रहेगा। परिवार के लोग आपका सपोर्ट कर सकेंगे। आज के दिन आपको बहुत सावधान और सतर्क रहना पड़ सकता है क्योंकि आपके सेहत बिगड़ सकते हैं और आपको खुद को विपरीत परिस्थितियों में पा सकते हैं। आपको अपने करीबियों के साथ सहयोगियों के साथ विवाद कानूनी दायरों को दूर करने की जरूरत रहेंगे। आज के दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर करने के प्रयास करने होंगे। आप अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल कर सकोगे और पूरे समर्पण के साथ काम में जुड़ सकेंगे जो आपको सकारात्मक विकास को जन्म देंगे। आप में से एक से अधिक लोगों में प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। आज के दिन आपको समय की कमी भी महसूस हो सकती है। वित्तीय स्थितियों में सुधार होना तय
हैं। आपको आय का एकत्रित स्रोत भी प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप परीक्षा या प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी स्थितियों को बढ़ाना चाहते हैं और अपना नाम बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आप अपना ध्यान और समर्पण न खोएं। आज के दिन आपको अपने जीवन साथी का पूरा समर्थन मिलेंगे। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। स्वास्थ्य भी आपका शुभ रहेगा। व्यावसायिक संदर्भ में आज आपको बड़ी सफलताएं हासिल हो सकती हैं। आप एक उच्च सामाजिक स्थितियों को हासिल कर सकते हैं। आप एक नए उद्योग में शुरू कर सकते हैं और एक बड़ी डील भी आपको शामिल हो सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन काफी स्वतंत्र रूप से जीने के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आज का दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। सभी आपकी इच्छाएं पूरी होंगे और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर विशेष प्रकार की बनी रहेंगी। जय मां विंध्यवासिनी।